हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ शुगर लिपस्टिक मिनी पैक। मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी इस प्रोडक्ट की, तो फाइनली जब ये मेरे पास आया मैं सुपर 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 एक्साइटेड हूँ। और चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस कि मुझे ये कैसा लगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही क्यूट इस पिंक बॉक्स में आता है, जो बहुत ही क्यूट कलर है। और मैंने जो लिपस्टिक सेलेक्ट करी थी उसमें तीन पिंक शेड है और एक ब्राउन शेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के छोटे से बॉक्स में आता है। पिक्चर में ये थोड़ा बड़ा दिखता है, बट बड़ा नहीं है, ये काफ़ी छोटा है। शायद अभी भी ये बड़ा दिख रहा हो, नहीं, ये देखिए काफ़ी छोटा साइज़ है इसका। आई थिंक 4 या 5 टाइम में शायद ये ख़त्म हो जाए, अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो। आई डोंट नो, मैं यूज़ करने के बाद बता सकती हूँ, बट अभी तो ये फ़िलहाल ये काफ़ी छोटा है। काफ़ी छोटे छोटे से हैं ये, बट कलर बहुत प्यारे हैं। तो चलिए आप इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ ब्रिंक ऑफ पिंक। हाँ दिस कलर सो क्यूट। तो ये है फर्स्ट कलर जो मैं ट्राई कर रही हूँ, दैट इज ब्रिंक ऑफ पिंक। थोड़ा ये मेरे लिप्स पे थोड़ा ऑरेंजिश दिख रहा है, बट बहुत प्यारी कलर है, बहुत ब्राइट कलर है और फेस्टिवल कलर है। जैसे कि आप जान रहे हैं फेस्टिवल्स आ रहे हैं और आप ब्राइट कलर्स पहनते हो, तो ये बहुत ही पार्टी वेयर और ब्राइट कलर फेस्टिवल लुक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, और एक्चुअली मुझे लगाते के साथ ये ड्राई हो गया। ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना पड़ा इसे ड्राई करने के लिए, ये ड्राई हो गया। अब मैं अपने हाथ पर इसे किस करके दिखाती हूँ कि नाइस। मेरे हाथ पर ये नहीं लगा, और जैसे कि आप लिपस्टिक का मार्क देखते हो वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये काफी इस मामले में सेकंड हम कप पे ट्राई करते हैं, जैसा कि ये क्लेम करता है कि कप पे भी आप लिपस्टिक के निशान नहीं देखोगे अगर आप कुछ खा रहे हो या पी रहे हो। कुछ भी नहीं, नाइस, स्मच फ्री है। और ना ही मेरी लिपस्टिक बिगड़ी, वेरी नाइस। हाँ, ड्राई है बहुत, तो इसको लगाने से पहले आप कोई बाम लगा ले, लिप बाम लगा ले, या अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर ले, उसके बाद ये लगाएं। सेकंड हम लगाने वाले हैं वाइन एंड शाइन। ये बहुत बहुत प्रिटी कलर है, आप इसको पार्टी वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत क्यूट कलर है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लिपस्टिक पहना हुआ है, बहुत ही लाइट वेटेड है और काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाता है आपके लिप्स पे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे मैं बाहर जा रही हूँ कुछ खाऊंगी और पीऊंगी तो ये स्मच हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या गलती से कभी हम बहुत गर्मी हो रही है, पसीने हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, हम यूँ कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि ये स्मच हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। कभी ध्यान नहीं रहता और आप टच कर लेते हो गलती से तो भी कुछ नहीं होना, मतलब आपने लिपस्टिक पहना हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आई थिंक 2-4-5 घंटे के बाद ही इस पर कोई टचअप की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा तीसरा शेड है ट्रीक मिस्ट्रीक। ओ गॉड, मेरे लिप्स थोड़े बर्न हो रहे हैं क्योंकि इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है और बार बार आप लगा रहे हो निकाल रहे हो तो थोड़ी। कैमरे पे एक्चुअली रेड दिख रहा है, बट ये रेड नहीं है, बगंडी कलर टाइप है ये, इट्स नॉट रेड। सो
पर कलर काफ़ी अच्छा है। मुझे लगा था ये ब्राउन है, बट ये ब्राउन प्रॉपर ब्राउन नहीं है। मैं काफ़ी ज़ोर से इसको स्मच कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लाइटली कर रही हूँ, काफ़ी ज़ोर से इसे स्मच कर रही हूँ, स्मच बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और कभी कभी आप ऐसे करते हो तो आपके लिपस्टिक हो जाते हैं, बहुत सारी लिपस्टिक में मैंने देखा है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वेरी नाइस, और हम फिर से ट्राई करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब हम अपना लास्ट शेड यूज करने वाले हैं, दैट इज रिथिंग पिंक। बहुत प्रॉपरली मैं लगा नहीं पाई क्योंकि मेरे लिप्स बर्न हो रहे हैं, बट बहुत प्यारा कलर है। आई थिंक रीथिंग पिंक एंड वाइन इज माय फेवरेट कलर अपनी पूरे फेस्टिवल टाइम के लिए। आई थिंक दिस विल बी माय फेवरेट कलर। दिस कलर इज सुपर प्रिटी, बहुत बहुत प्रिटी है, बहुत ही ब्राइट पिंक है। आई थिंक डिपेंड करता है, अगर आपको इतना ब्राइट पिंक पसंद है तो आई थिंक मुझ पे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे यूज करूंगी फॉर श्योर। बहुत ही हॉट कलर है ये, बहुत ही अच्छा कलर है, तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ इस कलर को लेके। रीथिंग पिंक, ये प्रॉपर पिंक है, मतलब ब्राइट पिंक है। इसका गुड पॉइंट ये है कि इसके कलर्स काफ़ी प्रिटी है, ये स्मच नहीं होता। आप कुछ खा रहे हो या गलती से आपने अगर अपने लिप्स को टच कर दिया तो ये बिल्कुल भी स्मच नहीं होता, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। पर ये बहुत छोटा सा बॉक्स है, अगर आप डेली यूज़ करते हो तो ये जल्दी फिनिश हो जाएगा शायद, एंड थोड़ा ड्राई है। एंड यस, तो मैं तो इसको यूज़ करने वाली हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन है। मेरा पिंक, ब्रीथिंग पिंक एंड वाइन अभी करेंटली मेरा फेवरेट हो गया है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ताकि मैं उसको देख सकूं और अपने लिए भी खरीद सकूं। गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरा स्किन अभी बहुत ही बुरे कंडीशन में है। आप जैसा देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे बहुत दाने हो गए हैं, अनइवन सा लग रहा है, और मैंने कोई मेकअप भी नहीं लगाया, सिर्फ ब्लश ऑन लगाया, क्योंकि मुझे स्किन में एक एलर्जी हो गई थी। इस पूरे वीक में बहुत परेशान रही हूँ, और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट अभी मुझे स्किन पे कुछ भी लगाना अलाउड नहीं है, मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं पिक्चर्स लगा दूंगी, आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा अजीब दिख रही हूँ। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा वीडियो ना जाए यूट्यूब पे, जैसा कि कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई लिप्स एंड लिपस्टिक। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड होप मैं फिर और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आऊँ आपके लिए। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू सो मच, बी सेफ।